पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत, वजीर आजम ने जरदारी को पहला टारगेट करार दे दिया। कराची में जारहाना खिताब, अपोजिशन को खूब लताड़ा, कहा नैब बुलाता है तो शहबाज और जरदारी की कमर में दर्द हो जाता है। फजलुर्रहमान को तो मौलाना कहना ही गुना है, एक बार फिर बिलावल की उर्दू को तनकीद का निशाना बनाया। सिंध का दौरा करने का ऐलान, मैं आ रहा हूँ अंदरून सिंध का दौरा करने के लिए आपके साथ। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट, लिखा कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। मरियम औरंगजेब बोली इमरान खान शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, आज के बयान से साबित हुआ कि इमरान खान की सियासी मौत हो चुकी है। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का मिशन, वजीर आजम का दौरा कराची, बहादराबाद में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात, वजीर आजम के साथ हैं, जब ही तो वो वजीर आजम हैं। खालिद मकबूल कुछ ना कहकर भी सब कह गए। खालिद भाई आप अपने वजीर आजम का साथ देंगे या नहीं देंगे? वजीर आजम को साथ दें, जबकि तो वो वजीर आजम है अभी तक। अब्दुल अलीम खान लंदन पहुंच गए, जहांगीर खान तरीन की आयादत करेंगे। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात, तरीन ग्रुप ने कहा हम उस्मान बुज़दार को हटाने निकले हैं, हमारा साथ दिया जाए। तरीन ग्रुप और परवेज इलाही का राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। और निसार खोड़ो 100 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब, पीपल्स पार्टी को 4 पीटीआई अरकान ने भी वोट दिए। सेनेट की नशिस्त फैसल वावड़ा की नाअहली के बाईस खाली हो गई थी। वजीर आला सैन मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान के पास 3-4 दिन है, जो करना है कर लें, फिर मौका नहीं मिलेगा। वजीर आजम के घबराने का वक्त शुरू हो चुका, मुल्क को क्रिकेट ग्राउंड समझकर तबाह कर दिया गया।